हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पांडिचेरी और कन्याकुमारी के बारे में। सबसे पहले आता है पुडुचेरी, एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है खेती और मछली पकड़ना। इसके अलावा चावल, नारियल, गन्ना, तिलहन, इनकी फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पर तमिल, तेलुगु, मलयालम और फ्रेंच भाषाएँ बोली जाती हैं। मास्क यहाँ का मुख्य त्यौहार है। यहाँ पर क्या होता है, जो लोग होते हैं वो मास्क लगा करके, बड़े बड़े मास्क लगा करके मुंह पर डांस करते हैं। अरविंद आश्रम, वनस्पति बाग, अरोविली और जोन ऑफ आर्क यहाँ के कुछ दर्शनीय पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कन्याकुमारी, दक्षिण का भाग। कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर तीन जल निकाय, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर मिलते हैं। यानी कि कन्याकुमारी जो है वो तीन तरफ से बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसके पास में एक छोटा सा द्वीप है जिस पर एक सुंदर स्मारक, विवेकानंद स्मारक बना हुआ है। इस स्मारक को देखने के लिए विश्व भर से पर्यटक आते हैं। ये इमेज में आप जो देख रहे हैं ये क्या है, विवेकानंद स्मारक। अब हम डिस्कस करते हैं इस पार्ट की एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो आपको वीडियो के लास्ट में अटैच मिलेंगे। रिक्त स्थान डिस्कस करते हैं। पहला है, चारों ओर से जल से घिरा भूभाग डैश कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वीप। कोई भी भाग जब चारों तरफ से पानी से घिरा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, द्वीप। डैश अरब सागर में 36 द्वीपों का समूह है। कितने, 36 द्वीपों का समूह किसमें है, लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार में 300। भारत में डैश एक ऐसा राज्य है जहाँ 100% पढ़े लिखे हैं। कौन सा राज्य है भारत का ऐसा, केरल। केरल मात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर 100% आपको लिटरेसी मिलेगी। नेक्स्ट है, केरल को नारियल की भूमि कहा जाता है। केरल जो है वो उस राज्य में नारियल की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, उत्पादन ज़्यादा होता है, इसीलिए उसको नारियल की भूमि भी कहते हैं। नेक्स्ट है, पोर्ट ब्लेयर स्थित डैश का ऐतिहासिक महत्व है। किसका, सेलुलर जेल। सेलुलर जेल जो थी वहाँ पर क्रांतिकारियों को या देशद्रोह करने वालों को काले पानी की सज़ा दी जाती थी। काले पानी की सज़ा इसलिए क्योंकि सेलुलर जेल जहाँ पर थी वहाँ से चारों तरफ केवल पानी ही पानी दिखाई देता था, दूर तक ना कोई बिल्डिंग ना कोई मनुष्य, इसीलिए पोर्ट ब्लेयर स्थित सेलुलर जेल का ऐतिहासिक महत्व है। नेक्स्ट है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, भारत का दक्षिणी भाग तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। क्या आएगा इसमें, सही। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है। गलत। लक्षद्वीप के जितने भी द्वीप हैं वहां पर कुछ संख्या में केवल आदिवासी जो है वही पाए जाते हैं। तीसरा है, लक्षद्वीप रेलमार्ग में मुंबई और तिरुवनंतपुरम से जुड़ा है। लक्षद्वीप रेलमार्ग से मुंबई और तिरुवनंतपुरम से जुड़ा है, तो इसमें क्या आएगा, गलत। रेलमार्ग नहीं बदली, समुद्री मार्ग जो है, ठीक है, लक्षद्वीप का समुद्री मार्ग जो है वो मुंबई और तिरुवनंतपुरम से जुड़ा हुआ है। आनंद में सबसे बड़ा मुर्गी फार्म है, गलत। आनंद में सबसे बड़ा क्या है, डेयरी फार्म। तो ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। लास्ट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, सही। इसमें कौन सा निशान लगाएंगे हम, सही का। नेक्स्ट है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है, गुजरात की राजधानी है, गुजरात की राजधानी क्या है, अहमदाबाद, पोर्ट ब्लेयर, गांधीनगर। तो कौन सी है राजधानी, गांधीनगर। नेक्स्ट है, कथकली और मोहिनी अट्टम लोकप्रिय नृत्य हैं। आपको बताना है कथकली और मोहिनी अट्टम जो है वो कौन से स्टेट के लोकप्रिय नृत्य हैं। ऑप्शंस हैं उड़ीसा, गुजरात या केरल। ऑप्शन में कौन सा आएगा, केरल। नेक्स्ट है, सेलुलर जेल स्थित है। स्टूडेंट्स, इसमें तीन ऑप्शंस जो दिए हैं, तीनों ऑप्शंस में से एक भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो आप द्वीप को काट करके वहाँ पर पोर्ट ब्लेयर लिख लीजिएगा। तो सेलुलर जेल स्थित है कहाँ पर, ऑप्शंस हैं दमन में, पोर्ट ब्लेयर में या कन्याकुमारी में। तो ऑप्शन क्या आएगा, पोर्ट ब्लेयर में।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरसाइज थी जो आपको कॉपी में करनी है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।